तो आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड में शेप पर जाएंगे। शेप से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हैं और एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे जो कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड का आउटलाइन होगा। और इस आउटलाइन को मैं थोड़ा सा इसमें डिजाइन दे देता हूँ। डिजाइन के लिए यहाँ पर जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और मोर लाइन पर जाकर आप यहाँ से स्टाइल में जाके आप लाइन चूज कर सकते हैं। आपने लाइन चूज किया, देखिए ये आपका शेप बनकर तैयार हो गया। तो इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ है आप पहले यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, इसमें जो क्या करेंगे आइडेंटिटी कार्ड में, मैं अपना कोचिंग का जैसे लोगों का एक प्रकार से पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ लगाते हैं। जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पिक्चर शेप पे जाके पिक्चर पर जाएंगे और मैं पिक्चर यहाँ लगाने जा रहा हूँ। ये मैं गया यहाँ डिजिटल में गया, यहाँ से मैं पिक्चर अपना कोचिंग का ले आया। ठीक है, ये देखिए ये क्लियर पिक्चर है लेकिन हमको एक प्रकार से वाटर मार्कर टाइप का चाहिए। तो अगर इस टाइप का अगर पिक्चर चाहिए तो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है यहाँ से आप थोड़ा सा मोड पर जाकर यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसपेरेंट करते थोड़ा सा तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा लेकिन दोबारा अगर आप इसको में पिक्चर लगाते हैं तो क्या होता है, ये आपका पिक्चर हल्का लाइट टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से वाटर मार्क के तब बन गया। उसके बाद है आप इसमें शो करना चाहते हैं अपना कोचिंग का नाम, तो कोचिंग का नाम शो करने के लिए एक और रेक्टेंगल हम बनाते हैं। चलिए एक और रेक्टेंगल मैंने बना लिया है। ठीक है, और इसमें मैं इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ क्योंकि मुझे अपना कोचिंग का लोगो भी लगाना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कोचिंग का लोगो लगा लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ये मैंने लगा लिया, अब रेक्टेंगल लगा देता हूँ यानी इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैंने कलर भी फिल कर लिया, कलर फिल किया लेकिन कलर थोड़ा बेहतर करना है तो मैं यहाँ से यहाँ इस टाइप का कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं कोचिंग का नाम लिखूँगा, वाइट कलर में लिखना है तो होम पर जाकर यहाँ से फॉन्ट कलर में वाइट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एरियल ब्लैक करता हूँ ताकि मोटा है। और मैं यहाँ से सेंटर पे ले जाता हूँ। चलिए मैंने नाम लिख दिया, एड्रेस देना है, एड्रेस के लिए मुझे जगह बनाना पड़ेगा। तो जगह बनाना है तो इसके लिए फिर एक और मैं क्या करता हूँ, एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रेक्टेंगल से किसी भी शेप में अगर हम शेप में अगर रेक्टेंगल बना कर अगर मैं उसमें कुछ लिखता हूँ उसको मूव करना आसान हो जाता है, इस कारण से मैं इसमें भी रेक्टेंगल ले रहा हूँ। इसमें पहले लिख लेता हूँ अपने कोचिंग एड्रेस में लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा।
चलिए मैं अब इसका लिखता हूँ। मैं पहले इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि जब हम लिखिए तो आपको पता चल सके। नो फिल, आउटलाइन भी नो कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसमें लिख रहा हूँ। चलिए मैं अपने क्वेश्चन का एड्रेस भी यहाँ दे दिया हूँ। चलिए तो ये मेरा आधा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। इसको मूव करना है तो ये आसानी से यहाँ तक मूव हो जाता है। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या कि अब मुझे बताना है कि ये क्या बना रहे हैं। हम आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए एक और लिखना है, तो हमको एक और शेप बना देता हूँ ताकि उसमें पता चल सके मैं आइडेंटिटी कार्ड बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ। पहले सेब का कलर कर देता हूँ, ग्रेडियंट कलर ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं येलो कलर चूज कर रहा हूँ, लिखता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, कलर में येलो दे रहा हूँ, फॉन्ट कलर में येलो दे रहा हूँ, और ये कलर में ब्लू कर रहा हूँ। फॉन्ट कलर में येलो दे रहा हूँ, 1 मिनट, येलो नहीं हो रहा है। फॉन्ट कलर में येलो दे रहा हूँ, ये येलो हो चुका है। अब देखिए कि ये इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है, जिससे कि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। रिमूव स्पेस और यहाँ से एक और थोड़ा सा कम कर दिया। ये मेरा थोड़ा सा बन गया अच्छा। इसको मैं सेंटर पर रख रहा हूँ ताकि और बेहतर दिखे। ठीक है, अगर शेप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज शेप पर जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने शेप चेंज किया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब आपको क्या बनता है कि फोटो लगाना है, फोटो दिखाना है आपको। फोटो दिखाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं, ये फोटो दिखाने के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है क्या कि आपको कॉलम बनाना है एक प्रकार से, कि जिसमें हम लिख सके नेम, डेट ऑफ बर्थ
और कौन सा कोर्स में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया या फिर क्या उसका पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले नेम का कॉलम बना देता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, और यहाँ मैं देता हूँ नेम। ठीक है, नेम दे दिया, और इसको क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। नेम इसको मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ ताकि अच्छा दिखे। इसी प्रकार से मैं इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और कॉलम बना रहा हूँ जिसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ। एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखा है स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन लिया है। चलिए अब बस इसमें मैं बस चेंज कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ टेक्स्ट, ये इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये मैनेज हो सके। ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ कोर्स में लिख देता हूँ किस कोर्स में एडमिशन कोर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको लिखना है क्या आईडी नंबर, इसी को मैं लिख के यहाँ कर देता हूँ आईडी नंबर, आईडी नंबर। ठीक है, आईडी नंबर मैं यहाँ दे सकता हूँ। ठीक है, आईडी नंबर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का आईडी नंबर एक प्रकार से यहाँ दिखा सकते हैं। मुझे सेशन दिखाना है, मुझे सेशन दिखाना है, तो सेशन के लिए मैं सेशन कब से कब देना है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर ले जा के यहाँ शो कर सकता हूँ। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ 2022 2023, ये मैंने सेशन दे दिया, साइज थोड़ा छोटा कर दिया, और
ये मैंने सीजर दे दिया। सॉरी, ये लगभग आपका आईडी कार्ड बन चुका है, ठीक है, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और कोर्स हो गया। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं क्या, अगर आप इसको इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को आप क्या करना चाहते हैं कि बारकोड के तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाकर आप बारकोड सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो देना है तो आप यहाँ पर जाकर जो ऐसा चाहे फोटो फोटो का ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर फोटो किसी का चिपका भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, और एक और चीज मैं भूल गया था, इशू डेट। यहाँ आप इशू डेट इशू डेट एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये तो ये आपको बन गया आपका आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड का फॉर्मेट बोले या फिर आईडी कार्ड बोले, ये आपको बनकर तैयार हो गया। तो ये कहलाता है स्टूडेंट पे ये कैसे बनाते, तो आपने आज आपने सीख लिया।